दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन भी दबाइए, और उसके साथ वो बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट हमेशा मिलती रहे। हम सब जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, ट्रेन करते हैं खुद को, और किसी ना किसी बॉडी बिल्डर को हमारा आइडियल कंसिडर करते हैं, हमारा मेंटर कंसिडर करते हैं, और उसको देख के इंस्पायर हो के हम वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं। बहुत लोगों का आइडियल होगा जे कटलर, रॉनी कोलमैन, लाजार एंजेलेफ, जेफ सेड, सर्जी कॉन्स्टेंस या अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। 90-95% लोग अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को ज़रूर फॉलो करते होंगे मेरी तरह। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स और मिस्टर ओलंपियाज बने हैं, इन लोगों ने किस बॉडी बिल्डर को फॉलो किया होगा, किस बॉडी बिल्डर ने इन बॉडी बिल्डर्स को एज अ मेंटर सिखाया होगा, गाइड किया होगा, कोच किया होगा, या अपना आइडियल कंसिडर करके उनको हमारे शैडो में लिया होगा। सो बात करते हैं स्पेशली अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो 7-time मिस्टर ओलंपिया बने, तो उन्होंने किस बॉडी बिल्डर को अपना आइडियल और अपना मेंटर कंसिडर किया होगा। बहुत लोग इस बारे में जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते। सो जो लोग नहीं जानते कि अर्नोल्ड का आइडियल कौन रहा होगा, तो आज उसी बॉडी बिल्डर के बारे में बात होने वाली है। सो आज बात करेंगे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर्स बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री में। सो मैं बात कर रहा हूँ रेज पार्क की। सो रेग पार्क हम जाने जाते हैं अपने करिश्मा, चार्म और अपने गोल्डन एज एथलेटिक्स के लिए, और यही एथलेटिक्स ने अर्नोल्ड जैसे बॉडी बिल्डर्स को इंस्पायर किया था ताकि वो बॉडी बिल्डिंग में अपना करियर बना सके। सो आज पूरी बायोग्राफी होगी रेज पार्क के ऊपर, उनकी ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और उनके लाइफस्टाइल के ऊपर। सो एथलेटिक्स स्टैटिस्टिक्स में आपको कुछ बता देता हूँ रेज पार्क के। सो मैं आपको बता दूँ, रेज पार्क अर्नोल्ड और से भी बहुत पुराने ज़माने के बॉडी बिल्डर हैं। ऑलमोस्ट जब स्टीव रीव्स कम्पीट किया करते थे तब के बॉडी बिल्डर हैं। 1940s की मैं बात कर रहा हूँ, जब अर्नोल्ड की उम्र आई थिंक एकदम टीनेजर्स में होंगे अर्नोल्ड, और अपने बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। अर्नोल्ड ने अपना फर्स्ट बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन मिस्टर ओलंपिया 1965 के बाद स्टार्ट 1979 में स्टार्ट किया था खेलना, सॉरी 1969 में स्टार्ट किया था खेलना। तो 1940s के बॉडी बिल्डर्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो फोटोज़ आप देख रहे हैं थोड़े ब्लैक एंड व्हाइट हो सकते हैं क्योंकि उस ज़माने में कलर फोटोज़ तो रही थे जो, लेकिन जो भी फोटोज़ हैं मैंने ट्राई किया है कि जितने भी क्लियर फोटोज़ हैं वो मैं डालूँ। सो बात करते हैं एथलेटिक स्टैटिस्टिक्स की। सो रेग पार्क जब कम्पीट किया करते थे तो उनका वेट था 210 pounds से लेकर 215 pounds, जो इक्विवेलेंट है 102 kilograms के आसपास। उनकी हाइट थी 6'1". उनके आर्म्स की साइज थी 19 से वो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। 1920 से वो एक जून 7 बॉडी बिल्डर थे, और उनकी डेथ हुई नवंबर 2007। इनका एरा स्टार्ट हुआ 1940 में, 1950, 1960 और 1970 तक इनका एरा कंटिन्यू रहा। सो बात करते हैं उनके अकम्पलिशमेंट्स के बारे में, जो उन्होंने बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेले हैं अपने लाइफ में और जीते हैं। जो सबसे नोटवर्दी विंस है वो मैं आपको बताता हूँ। सो 1949 मिस्टर ब्रिटेन में फर्स्ट आए, 1950 नैबा मिस्टर यूरोप में फर्स्ट आए, 1951 नैबा मिस्टर यूनिवर्स में फर्स्ट आए, 1961 मिस्टर यूनिवर्स प्रो नैबा टॉल डिवीजन में फर्स्ट आए, 1971 मिस्टर यूनिवर्स प्रो नैबा टॉल डिवीजन में थर्ड आए, और 1973 मिस्टर यूनिवर्स प्रो नैबा टॉल डिवीजन सेकेंड आए। सो हमेशा टॉप थ्री प्लेसिंग्स में इनकी आई है, और इन्होंने जो एक कमबैक किया था 7 सालों के बाद उसके बारे में भी आपको मैं फर्दर वीडियो में बताऊंगा। सो बायोग्राफी की बात करते हैं। सो बचपन से ही रेग को फिटनेस की ओर बहुत ज़्यादा पैशन था। ऐसा नहीं था कि उनको बचपन से बॉडी बिल्डर बनना था, उनका बहुत सारा इंटरेस्ट सॉकर गेम में था। वो अपने कंट्री के लिए सॉकर खेला करते थे, और उस सॉकर टीम का नाम था लीड यूनाइटेड। सो ये टीम के लिए वो सॉकर खेला करते थे अपने टीनेजर्स में। सो 1940 में सॉकर खेलते वक्त उनकी लेग की इंजरी हो गई, और स्पेशली उनकी नी जॉइंट में इंजरी हुई थी, उसकी वजह से उनके सॉकर करियर पे फुल स्टॉप आ गया। सो उनको रिहैबिलिटेशन में जाना पड़ा, और वहाँ पे उन्होंने जब वेट ट्रेनिंग स्टार्ट की तो उन्होंने देखा कि उनकी फिजिक कितनी अच्छी डेवलप हो रही है, और साथ ही में उन्होंने जब एक बॉडी बिल्डिंग मैगजीन को पढ़ना स्टार्ट किया
उनका जो इंटरेस्ट है एथलेटिक्स और बॉडी बिल्डर्स की ओर वो ज़्यादा बढ़ने लगा। और इसी इसी टाइम पर उन्होंने तय किया कि वो भी एक ऐसी सिमिलर हीरोइक टाइप बॉडी बनाएंगे। सो 16 साल की उम्र में 1994 में रेग की मुलाकात हुई डेविड कोहेन से। सो डेविड कोहेन एक लोकल बॉडी बिल्डर थे लीड सिटी से। उनकी मुलाकात होने के बाद डेविड ने रेग को थोड़ी देर के लिए ट्रेन किया, मतलब 3 महीने तक डेविड ने रेग को ट्रेन किया था। वहाँ पे डेविड ने रेग को सिखाया कि कैसे वेट लिफ्टिंग होती है, कैसे बॉडी को स्कल्प्ट करना होता है और डाइट और न्यूट्रिशन कैसे फॉलो करना होता है। उस ज़माने पे रेग ने सिर्फ डंबल्स, बारबल्स और एक पुलअप बार के ऊपर ट्रेन किया था। सो 1949 तक उन्होंने एक बहुत अच्छी फिजिक बना ली थी। 5 सालों के इंटेंस ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन के साथ उन्होंने अपना फर्स्ट कंपटीशन भी खेलना स्टार्ट किया। सो उनका फर्स्ट कंपटीशन था मिस्टर ब्रिटन। सो मिस्टर ब्रिटन जीतने के बाद, मिस्टर ब्रिटन कोई एक छोटा टाइटल नहीं है, एक पूरे कंट्री का अगर देखें तो मिस्टर ब्रिटन में बहुत लोग कम्पीट किया करते थे उस ज़माने में, और रेग पार्क ने सबको डोमिनेट करके वो जीत लिया था। सो इसी के साथ वो टाइटल जीतने के बाद उनकी जो ड्रीम्स है, उनके जो गोल्स है, वो और भी एक्सपांड हो गए। उन्होंने डिसीजन ले लिया था कि अमेरिका जाके वहाँ के बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट करूँगा। सो 21 साल की उम्र में उन्होंने अमेरिका शिफ्ट हो गए और 6 महीने की बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग के बाद उन्होंने एक बहुत अच्छी बॉडी बना ली। और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई जो विडर से। सो जो विडर हम सब जानते हैं कि बॉडी बिल्डिंग के गॉडफादर कंसिडर हो रहे हैं। जो विडर ने ही मिस्टर ओलंपिया कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया था। सो जो विडर ने रेग को देखा और उनके फिजिक से इंस्पायर होके उन्होंने रेग को बहुत सारे मैगजीन्स में पब्लिसाइज किया। सो इसी पब्लिसिटी के साथ उनका जो इम्पैक्ट था यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर वो काफ़ी बढ़ गया। सो 1950 में जब उनकी उम्र 22 साल थी, तब उन्होंने फर्स्ट बार अपना प्रो कॉम्पिटिशन खेला जो था नैबा मिस्टर यूनिवर्स। सो इसमें उनकी प्लेसिंग आई सेकेंड, और जो फर्स्ट आए थे वो थे लेजेंडरी स्टीव रीव्स। सो स्टीव रीव्स भी उस ज़माने के सबसे ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर कंसिडर्ड होते थे। अगर आपको स्टीव रीव्स के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो मैंने उनकी वीडियो बना ली है, आप मेरे चैनल पे स्टीव रीव्स की बायोग्राफी देख सकते हैं। सो 1951 में, यानी कि 1 साल के बाद, उन्होंने वापस कम्पीट किया, रेग पार्क ने वापस कम्पीट किया उसी शो में, नैबा मिस्टर यूनिवर्स में, और वो कॉम्पिटिशन जीत लिया। सो 1951 नैबा जीतने के बाद उन्होंने 7 सालों तक बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट नहीं किया। सो 7 साल वो दूर रहे बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री से, और उन्होंने अपना पूरा फोकस बॉडी बिल्डिंग मैगजीन और अपना बिजनेस में लगा दिया। सो बिजनेस यानी कि बारबेल्स सप्लीमेंट्स को बेचना और स्टेज शोज करना, इस तरह के जो बिजनेस होते हैं जहाँ पे बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं आप, उसमें उन्होंने अपना 7 साल बिता दिया। सो 1958 में जब उनकी उम्र 30 साल थी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा कमबैक किया बॉडी बिल्डिंग में। सो 1958 मिस्टर यूनिवर्स में उन्होंने कमबैक किया और उसमें उन्होंने जीत लिया वो शो। सो उसी के साथ मिस्टर यूनिवर्स जीतने के बाद उनकी जो ड्रीम थी एक एक्टर बनने की, उसमें उन्होंने परसीव किया अपना करियर। सो 1961 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म की हरक्यूलिस एंड द कैप्टिव वुमेन। सो उसके साथ उनके जो रोल्स थे उनके फैन फॉलोइंग भी बढ़ने लगी और उनके जो रोल्स हैं वो भी बढ़ने लगे। सो अगले 15 सालों तक उन्होंने बहुत सारे टीवी शोज और बहुत सारे मूवीज़ में काम किया है। और उसी के साथ 1965 तक उन्होंने अपने पॉकेट में मिस्टर यूनिवर्स का भी कॉन्टेस्ट ले लिया था। सो बात करते हैं उनके ट्रेनिंग स्टाइल की। सो रेग पार्क 6 दिन ट्रेन किया करते थे अपने हे डेज में, और अगर और हर दिन एक एक घंटा वर्कआउट होता था। सो अगर आपको उनकी ट्रेनिंग रूटीन देखनी है पूरी डिटेल में, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका पूरा ट्रेनिंग डाल दिया है, आप जाके उनकी ट्रेनिंग देख सकते हैं। सो न्यूट्रिशन की बात करें तो वो बहुत सारा फूड खाते थे, हाई कैलोरी मील खा करते थे, और उसमें से भी 12 अंडे और दूध ये रोज़ उनके मील में होता ही था। उनका फेवरेट मील था स्टीक, जिसे वो दिन में 2 बार कंज्यूम किया करते थे। अगर आपको उनका डाइट प्लान देखना है उस ज़माने में कैसे रेग पार्क कंज्यूम किया करते थे, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका डाइट प्लान भी मेंशन किया है, आप डाइट प्लान देख सकते हैं। सो रेग पार्क इनिशियली जो एक बॉडी बिल्डर बने और उसी के साथ एक बहुत बड़े फिटनेस आइकॉन बने अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के लिए। सो अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने रेग पार्क के साथ ट्रेन किया है, रेग पार्क ने मेंटर की तरह काम किया है अर्नोल्ड के लिए और हेल्प की है उनके लिए मिस्टर ओलंपिया जीतने के लिए। सो जैसे हम सब के कोई ना कोई आइडियल रहा है, वैसा ही अर्नोल्ड का आइडियल रेग पार्क था। सो ये था मेरा वीडियो रेग पार्क के ऊपर। मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट्स में,
और उसी के साथ मुझे आप ये भी बताइए कि क्या सोचते हैं आप ऐसी फिजिक्स के बारे में, गोल्डन एज जो फिजिक होती है उसके बारे में आपका क्या राय है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना वीडियो को, और उसी के साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का आइकन है उसको क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आप ही को फ़ायदा है, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पर तो आपके फ़ोन, पीसी, टैबलेट पर नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे फर्स्ट देख सकते हैं। सो डू सब्सक्राइब। आई एम हर्षल मुदिराज, साइनिंग आउट।